अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक और मैं बाकी लोगों को भी बता दूं जी। मेरी थोड़ी तवक्को से ज़्यादा देर लग गई, मेरे ख्याल था 10 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़े से ऊपर टाइम लग गया। तो हम HTML का ये कोर्स कर रहे थे और इसमें हम W3 स्कूल वेबसाइट से ये कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। इनका कोर्स बहुत अच्छा है, कंसाइज है। तो ये वाली एग्जाम्पल अभी हम कर चुके थे। एक्सक्यूज मी। जी माजरत। तो ये एग्जांपल हम कर चुके थे। आगे एक चीज़ है नो स्क्रिप्ट। तो इसमें होता यह है कि बाज़ जगहों पे लोगों ने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया होता है अपने ब्राउज़र में। तो उस सूरत में ये होता है कि ये आप टैग अगर लिखा हो नो स्क्रिप्ट का, तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो अल्टरनेटिव एक मतलब चीज़ है कि अगर आपकी वैसे अगर स्क्रिप्ट चल रहा है तो ये नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे जैसे भी ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो ये स्क्रिप्ट यानी कि चलेगा। और अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक लिहाज से अच्छा ये है, लेकिन ये आजकल तकरीबन ब्राउज़र जो है वो सारे सपोर्ट करते हैं और इनेबल ही होती है, लेकिन कुछ लोग सिक्योरिटी कॉन्शियस होते हैं तो वो फिर स्क्रिप्ट डिसेबल रखते हैं। तो एक्सरसाइज आ गई है, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से। यूज़ जावा स्क्रिप्ट टू चेंज द HTML कंटेंट ऑफ द पी एलिमेंट टू हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास आईडी है डेमो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी के ज़रिए कर रहे हैं। तो इसके स्पेलिंग वैसे वैसे को मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन इसको रीचेक कर लेता हूँ मैं, आंसर ट्राई करता हूँ। वैसे अक्सर ये होता है मैं खुद कॉपी पेस्ट करता हूँ चीज़ें ताकि गलती जो है उसके चांस ना ही हो। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में अमूमन ये फंक्शंस के नाम और वेरिएबल्स इस तरह से हो जाते हैं कि पहला जो वर्ड है उसको लोअर में लिखते हैं, दूसरे को फिर पहले जो करेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, तो इस तरह पढ़ने में भी फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे शायद ये आईडी ये भी शायद छोटा है, लेकिन चलें अभी ये गलत
मार्क करेगा तो पता लग जाएगा, लेकिन नहीं वो आईडी तो ठीक मैंने किया है। तो आगे चलते हैं, और तो यहाँ पे तकरीबन ये हमारा चैप्टर अभी पूरा हो गया है। तो इसमें मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ, जिस तरह की ये मैंने फाइल बनाई है इसी मकसद के लिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। तो इसी मैं टेक्स्ट को वहाँ पे कॉपी भी कर दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन लिखूँगा उसमें। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले सैटरडे को फाइल पाथ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस दफ़ा अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आए, और लास्ट टाइम तो ये है कि हमने जो सेकंड पार्ट था उसमें थोड़ा सा डॉकर के बारे में देखा था, डॉकर एक टेक्नोलॉजी है इसका हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखा था, कि ये वर्चुअलाइजेशन से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है लेकिन थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ भी है, कि ये आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिसोर्सेज को डायरेक्टली इस्तेमाल करती है, तो इसलिए बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वैसे वर्चुअलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, उससे आपकी बचत हो जाती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें जो इमेजेस हैं वो उनके साइज़ छोटे होते हैं काफ़ी। जी आते भाई, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी आ गई, स्क्रीन तो भी नहीं आ रही, अभी आ गई तस्वीर आ रही। अच्छा, तस्वीर आ रही है। स्क्रीन, मेरे ख्याल में स्क्रीन नज़र आनी चाहिए मेरी, मतलब ये डेस्कटॉप नज़र आना चाहिए। जी ठीक है, वो असल में इस पेज को मैंने खोला हुआ था तो इसलिए। तो आते भाई, वो जो चैप्टर है वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बस उसमें एक नो स्क्रिप्ट के नाम से एक टैग था और एक्सरसाइज थी। बाकी अभी आप बताएं, आपका कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ दिखानी है? जी, आप यहाँ पे जो आपको ये गूगल मीट की आपकी विंडो खुली हुई है ना, तो यहाँ पे नीचे राइट साइड पे आपकी एक ऑप्शन आ रही होगी कि प्रेजेंट। यहाँ पे आप, हाँ अब मेरे ख्याल आप पहुँच गए हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है। आते भाई, आपकी स्क्रीन मुझे पूरी नज़र आ रही है, आप इसको बस मिनिमाइज़ रखें, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए आपको, आपको यहाँ पे मेरा नज़र आ रहा है ना, मुझे मुझे आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है पूरी, आप इसको मिनिमाइज़ करें और जो भी आपने काम करना है करें। अच्छा जी, ठीक हो गया।
इसमें बस ये आते भाई थोड़ा सा प्राइवेसी का मतलब इशू है कि वो थोड़ा सा क्योंकि लाइव सेशन है और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी वो बस जेन में ये रख के करना है। आते भाई आपकी आवाज़ रुक गई है। आते भाई आपकी आवाज़ रुक गई है। आते भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चले मेरे ख्याल है आते भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें आतिफ भाई दोबारा आएंगे तो दोबारा हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने सवालात अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी दोनों में पेश कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उनके हल बताए जाएं। तो रिसेंटली मैं जो चीज़ एक शायद वो आते भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ जी आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें सही है। अभी फिर आप कर सकते हैं या मुश्किल है? अच्छा सही है। पीडीएफ फाइल है ना तो वो आईडीएम इसलिए शायद आ रहा है डाउनलोड करने के लिए। उसको पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। इसको खोल लेना चाहिए।
जी जी तो ये आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो भाई इन्होंने इन्होंने पीडीएफ जनरेट करने के लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल की हुई है, ये जो ऊपर इंक्लूड इंक्लूड इन्होंने करवाया ना रिक्वायर, ये पीडीएफ बनाने के लिए ने लाइब्रेरी इस्तेमाल किया है, एफ पीडीएफ ये लाइब्रेरी है ना। तो ये फिर सारे उनके फंक्शंस हैं, जिस तरह ये लाइन नंबर 10 पे है ना, इन्होंने लिखा है पीडीएफ इज इक्वल टू न्यू एफ पीडीएफ, तो ये उसका नया इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं और ये फिर सारे उससे रिलेटेड फंक्शन हैं सेटअप कर रहे हैं। तो आपकी अपनी किधर है, आप कह रहे हैं नहीं, आपने अपनी अपनी फाइल भी कोई बनाई है। मुझे मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं ये कैसे जरिए बनाते कैसे, क्योंकि उसमें मैं काम कर रहे हैं, मुझे सही समझ नहीं आ रही कि ये कैसे जरिए। अब मुझे आइडिया होता है, जैसे फर्स्ट करें ये कैसे अच्छा एक दिन आईडी क्रिएट कर लेता है, फिर उसको प्रिपेयर करता स्टैक करता, वहां से उठा करके जो मैं फाइल वाइज बनाता हूं ना, वहां से वाइज उठा करके वो एक मतलब ये प्रिंट के लिए तैयार करता है। अब ये टूल तो समझ नहीं आ रहा, अगर भी ये थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ये जो चीज है अक्सर मैंने देखा है अक्सर ये जो चीज होती है इसको क्या कहते हैं, ये डैश और ब्रैकेट कंसाइज इकट्ठा ये यूज करते हैं अक्सर जगह, ये जी ये आते भाई, ये लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है और ये उसके हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके वेरिएबल को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिस तरह हम पढ़ते थे ना डॉट के साथ हम लगाते थे सी लैंग्वेज में, अगर आपको याद हो C++ में सॉरी, या जावा लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट का नाम और आगे डॉट लिखते थे और फिर आगे उसका फंक्शन, तो ये वही ठीक चीज़ है। है, ये वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये एरो के साथ यहाँ पे इस तरह एरो डैश और हाँ जी इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप समझे जिस तरह हम वो सी प्लस प्लस में या जावा में डार्ट लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट का नाम डार्ट आगे उसका मेथड या उसकी प्रॉपर्टी, ये सेम वही ठीक चीज़ है। है चलो जी। आगे और भी इन्होंने जो पीडीएफ ये वाला जैसा बनाया है इसके ऊपर जो लिखे हैं डिग्री ये इन्होंने एडी कार्ड तो देना उसके वो जो ये जो प्लेट होती है एडीएमएम ये उसके जवाब से उन्होंने एडी टू
ठीक है ठीक है सही है। लेकिन आपकी अपनी क्या चीज़ है, आपकी अपनी किधर है फाइल या? जी अच्छा, सही है। अच्छा, तो भी नहीं, मुझे बात समझ आ गई है। अच्छा, ना हो तो सेल नहीं करता फिर। इसने आइटम आइटम शो, ठीक है, इसने आइटम शो नहीं किए, आइटम शो नहीं किए, लेकिन बिल शो किए। इसको बंद करें और उस फाइल को दोबारा खोलें जो कोड कोड जिसका खुला हुआ था आपने, नोवा के क्या नाम था, नोटा। इसमें और स्क्रॉल करें, यहाँ पे तो वो सेटिंग्स कर रहा है, और अच्छा डिटेल्स, इनवाइस डिटेल्स ले रहा है यहाँ पे, और नीचे जाएं। अच्छा, और नीचे जाएं, और नीचे है कोड। अच्छा, और जाएं नीचे, बस ठीक है। वापस वापस जो इधर वो वाइल लगा हुआ है ना, वहीं पे रुकें, वाइल जिधर लगा हुआ है। हाँ जी, और पहले आप डेटाबेस खोलें, डेटाबेस जो इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है वो, आप पीएचपी माई एडमिन में डेटाबेस खोलें, उसमें चेक करें डेटाबेस में स्टोर हुई है वैल्यू या नहीं। पहली तो मैं चेक करता हूँ। नहीं, डेटाबेस, डेटाबेस में जाता हूँ, हाँ डेटाबेस में जाता
जी, डेटाबेस में मैं ये कह रहा हूँ, चेक हो कि लेकिन डेटाबेस वही खोलनी है जो इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। उसमें ऊपर पाथ लिखा हुआ था ना डेटाबेस का, ये जो पेज आपने खोला हुआ है ना, इसके बिल्कुल टॉप पे जाए ना, वो डेटाबेस इंक्लूड कराई हुई है, इसके बिल्कुल टॉप पे जाए। नहीं, इसके ये डीबी, डीबी के नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर डीबी कनेक्ट का आगे फाइल है, डीबी के नाम से फोल्डर होगा। नहीं, अब ये नोटा, नोटा वाली फाइल खोले, इसके ऊपर भी यही होनी चाहिए नोट। नहीं, सही है, लेकिन नोटा वाली फाइल में भी यही कनेक्ट है, ये आपने चेक किया है? नोटा वाला खोलें और इसके बिल्कुल टॉप पे जाएं। ठीक है, सही, जी, सही, यही फाइल है, सही है। जाएं वो उसमें डाटा, पीएचपी माय एडमिन में जाएं, आप पहले इनवाइस में जाएं, इनवाइस में पहले जाएं, पहले इनवाइस, जी, टेबल इनवाइस में जाएं, लेफ्ट साइड पे ही आप क्लिक कर देते तो आ जाए। उसमें असल में मैं आईडी देखना चाह रहा हूँ ना, जिसमें आपने ये 400 या 500 की जो ट्रांजेक्शन की है ना, उसकी रो आईडी क्या है। ये एरो, एरो जो है ना, ये इस पे डबल एरो पे क्लिक करें ना, राइट वाला, वो आखिरी रिकॉर्ड पे चला जाएगा, ये डबल एरो जो आ रहा है जी इधर। तो अच्छा, इसकी आईडी है 96। अब वो डिटेल्स वाले उसमें जाएं, डिटेल्स वाले में, ये लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो, जी, डिटेल्स वाले, जी, बिल्कुल डिटेल्स वाले की बात कर रहा हूँ। उसमें भी आखिरी रिकॉर्ड पे जाएं, उसी तरह वो डबल एरो पे वो क्लिक करके, उधर 96 के नाम से होनी चाहिए एंट्रीज, 96 के नाम से हैं? नहीं है, 86। इसमें देखे ना, अब वहाँ पे उसकी प्राइमरी की थी वो वाली इनवाइस की, नहीं वहाँ पे बेशक ना जाएं वो, यानी जब आप सेल कर रहे हैं वो सेल सेव ही नहीं कर रहा है, तो आप इसको बेशक थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखा होगा कि इनवाइस आईडी समथिंग, ये जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम के इधर लिखा होगा, देखिए इनवाइस आईडी लिखी हुई है जी, ये वहाँ से प्राइमरी की, यहाँ पे एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है। अब आप उसका कोड देखें, जब वो अब सेव करवा रहे हैं ना, वो सेव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है डेटाबेस में वैल्यूज जा नहीं रही हैं, पुराने वाली पड़ी। नहीं, ये तो उसकी मेन आईडी सेव हुई है ना, लेकिन डिटेल सेव नहीं कर रहा है वो, ये बात समझ आ रही है ना हमें, यानी कि रो, जिसको हम आइटम रोज कहते हैं ना, वो सेव नहीं कर रहा है। तो वो अब कोड आपने अगर चेक करना है तो उसका चेक करें, जो सेव कर रहा है ना उसका कोड चेक करें, जब आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं ना उस फाइल का कोड चेक करें, वहाँ पे कुछ मसला होगा। जी, वो ऐड सेल वाले पेज आप ब्राउज़र में खोले ना, ऐड सेल वाला, और उस फाइल का नाम, इसमें जाके कोड चेक करें, जी, इसको खोलें कोड फाइल, अच्छा ये काफ़ी बड़ी फाइल है। इसमें आप सर्च करें टेबल,
इनवाइस डिटेल्स इस तरह सर्च करें ज़रा। इस पर आप डबल, जी डबल क्लिक करें इसके ऊपर, टेबल इनवाइस डिटेल्स के ऊपर डबल क्लिक करें। टेबल ये जो लिखा हुआ है ना, टेबल इनवाइस डिटेल्स, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जी, अब इस कंट्रोल एफ करें। जी, कंट्रोल एफ, बस ठीक है, ये एक दफ़ा ही आया है, सही है। फिर मतलब यही चीज़ है, इंसर्ट इन टू, और ये आईडी, प्रोडक्ट आईडी बाइंड किया, एग्जीक्यूट किया है, मोटर डॉट पी एच पी, लेकिन यहाँ पे ये सेव नहीं कर रहा ना, तभी तो फिर आगे नहीं जा रहा। स्क्रॉल करें थोड़ा सा ऊपर, जी अच्छा, ये प्रोडक्ट वाले को अपडेट कर रहे हैं। थोड़ा नीचे जाएं, नीचे वही डिटेल्स वाला फिर आ जाता है। अच्छा आप दोबारा जो ब्राउज़र में पेज है उसको ज़रा एक दफ़ा फिर ट्रांजैक्शन एक रन करें, लेकिन आखिर में रुक जाना आप। ब्राउज़र में मैंने कहा एक दफ़ा और ट्रांजैक्शन करें, लेकिन उसके आखिरी जो क्लिक होती है ना वो नहीं करनी है आपने। नई सेल है ऐड करें। आपके पास टीम व्यूवर इंस्टॉल है? अच्छा, अगर वो होता तो फिर ज़रा सा ये एक मैं आसानी से तेज़ी से चेक कर लेता ना, और ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हैं, इसका फिर इतना खास फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देख लें, डाउनलोड अगर कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लें जल्दी से, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, और बेशक कॉल भी बंद कर दें, वो फिर और जल्दी हो जाएगा। जी आतिक भाई की थोड़ी सी देर लगेगी, और यहाँ पे जो रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, एक ये वेबसाइट है डिस्ट्रो वॉच, इसको मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ, और इसमें लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की न्यूज़ आती रहती हैं, और एक जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज़ोरिन ओएस, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो रिलीज़ हुआ है। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स, ये लिनक्स मिंट है, लेकिन शुरू में मैंने ये ज़ोरिन ओएस जो है इसको भी इस्तेमाल किया है, और काफ़ी इससे मुतासिर हूँ, और ये नए लोगों के लिए या जो विंडोज़ के यूज़र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैंने ये ट्यूटोरियल भी बनाया था, जो इंस्टॉलेशन मैंने करने का लिनक्स की और इसके इस्तेमाल का, वो भी इसी को ही इस्तेमाल किया था मैंने, ज़ोरिन ओएस को इस्तेमाल किया था। अगर आप मेरे चैनल पे आएँ और प्लेलिस्ट पे आएँ, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, लर्न टू इंस्टॉल और लिनक्स ट्रेनिंग हाउ टू यूज़, ये दोनों जो इसमें मैंने मेन इसमें जो इस्तेमाल किया है वो ज़ोरिन ओएस को ही इस्तेमाल किया है। उसके अलावा अगर आपने ये डिस्ट्रो वॉच आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी है, इसमें राइट साइड पे देखेंगे रैंकिंग, यहाँ पे ये शो कर रहा है
और जॉरिन वेस जो है इसमें 10वें नंबर पे है, और इन्होंने अपने जो यहाँ पे HPD कहते हैं, हिट पर डे शायद इस तरह की एब्रिवेशन है, और इसमें लोग इसकी साइट पे आके डिस्ट्रीब्यूशन के व्यू करते रहते हैं, तो ये फिर उसकी बेस पे अपनी ये रैंकिंग इन्होंने बनाई हुई है। और जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जा रही है वो MX Linux जा रही है। लेकिन जो विंडोज़ के यूज़र हैं उनके लिए मेरे ख्याल में ये ज़ोरिन OS ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन है। लिनक्स मिंट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक distrotest.net के नाम से एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट की अच्छी बात यह है कि अगर आपने इसमें अच्छी बात यह है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब नाम इधर आ रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट जिससे शुरू होती है वो आप क्लिक कर सकते हैं, और या फिर यह है कि जो रिसेंट हैं वो यहाँ पे न्यू सिस्टम्स यहाँ पे इस पेज पे ये शो कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे ये ज़ोरिन के जो है एडिशन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, तो बाद में तो ये वहीं पे मेन जो सिस्टम्स की लिस्ट है यहीं पे आ जाएंगे। तो इसमें अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है तो उसका तरीका कार ये है कि आप डिटेल्स वाले पेज पे जाएं या डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो मैं मसलन ये इसका लाइट एडिशन चेक करना चाहता हूँ, डिटेल्स वाले पेज पे मैं आया हूँ और स्टार्ट सिस्टम पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत वो तफसील भी बता रहा है कि इसमें रैम कितनी एलोकेटेड है वगैरह। तो इसमें यह कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन आप ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर सकते हैं। तो ये अपने सर्वर पे उसको वर्चुअलाइजेशन मशीन में चलाते हैं, तो मैंने इसको क्योंकि इनेबल किया हुआ है, तो वरना यह कि यहाँ पे आपको पॉपअप की एक वो मैसेज शो होता है कि ये आपको पॉपअप शो करवाना चाह रहे हैं। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रखा हुआ है कि ये ठीक है शो करवाए। तो आपको हो सकता है इसको एक दफ़ा यहाँ पे इस जगह पे किधर ये आपको पॉपअप शो करेगा कि ये आपको वेबसाइट शो करना चाहती है पॉपअप, तो आप इसको इजाज़त देते हैं, तो आपको उसको यस करना पड़ेगा। तो फिर ये है कि यहाँ पे ये विंडो में ये इनके अपने सर्वर पे वर्चुअलाइजेशन सर्वर पे ये रन करेगा। तो स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये कितनी होती है कि आप टेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरनेट स्पीड अपनी भी आपको अच्छी चाहिए, तभी आपके रन हो सकेगा। तो यहाँ पे ये है कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ होता, तो लाइव डिस्ट्रीब्यूशन बजाय इसके कि आप नेट से डाउनलोड करें, तो यहीं पे आप फ़ौरन फ़ौरन उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये इसका स्टार्ट मेन्यू है, और सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, इस तरह आपने जो टेस्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, लेकिन ये है कि क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे भी ज़रूर क्लिक करना चाहिए। अगर आप किसी और सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये स्टॉप इसको लाजमी करना है, वरना ये आपको दूसरे सिस्टम्स को रन नहीं करने देगा। तो जैसे हम देख रहे थे डिस्ट्रो वॉच पे एक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डीप इन, ये गालमन चाइना बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। चाइना में इसकी डेवलपमेंट मेन मेरे ख्याल में चाइना में इसकी हुई है। तो इसको हम चेक करते हैं, इसका भी ये रिसेंट वर्जन आया है 20। तो इसको हम सिस्टम्स की लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे डी पे मैंने क्लिक किया, और डीप इन तो यहाँ पे इनका जो बिल्कुल रीसेंट वर्जन है वो इन्होंने नहीं किया हुआ, शो नहीं कर रहे। तो चले मैं ये पुराना वर्जन जो है इसी को क्लिक कर लेता हूँ, या मैं एक नज़र और देख लेता हूँ यहाँ पे डीप इन, हाँ ये बीटा आ रहा है, तो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि रैम रैम इसको कम दिया है इन्होंने,
तो ये शायद इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो इस पुराने वाले को मैं देखता हूँ, इसको देखिए 2 GB दी है जो कि रीज़नेबल है। तो मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ये इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी बता रहा है। और ये टाइम बता रहा है कि तकरीबन 1 मिनट में ये मुझे स्लॉट मिल जाएगी और ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें आपको बाज़ औक़ात ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसका आसान हल ये है कि आप मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो उनको चेक करें। जब आप 3, 4, 5, 10 चेक करते हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मुनासिब आपके लिए कौन सी है। तो शुरू में मैंने जिस तरह बताया कि मैं इसी को ज़ोरिन ओएस को इस्तेमाल करता रहूं, ज़्यादा मैंने उसको इस्तेमाल किया है। उससे पहले उबुंटू को किया है जब वो फ्री सीडीज़ वगैरह देते थे। और बिल्कुल शुरू में 2000 गालबन एक में रेड हैट लिनक्स 7.2 होती थी उस वक्त, वो एक दफ़ा उस पर तजर्बा किया था। लेकिन ज़्यादा मैंने इस्तेमाल जो शुरू किया है वो 2008 के बाद बात की है। तो अभी मैं जो इस पे सेटल हुआ हूँ जिस पे, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी इतनी ही वो सूटेबल हो, क्योंकि मेरी अपनी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट की, तो इसके हिसाब से मुझे ये बहुत सूट करती है लिनक्स मिंट मेटे। अभी इसका मैं 19 जो वर्जन है वो चला रहा हूँ। अब हालांकि रीसेंट वर्जन 20 भी आ चुका है इनका भी, लिनक्स मिंट का, लेकिन मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन यह है कि इरादा किया हुआ है कि उसको मैंने, एक अपने सिस्टम का इशू है जिस वजह से अभी मैं लेटेस्ट वर्जन नहीं उस पर कर सकता इंस्टॉल, तो वो मैं फ़िक्स करूँगा। डाटा कुछ कॉपी करना है तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं उसको ट्राई करूँगा। तो मेरे पास जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं लिनक्स मिंट मिटे 19.3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में ऑनलाइन इस्तेमाल हो रहा है तो ये काफ़ी स्लो ही चल रहा है। अमूमन आपके जो हार्डवेयर पे जो आप हार्डवेयर इस्तेमाल अपने उस पर इस्तेमाल करते हैं जब, तो उसकी स्पीड निस्बतन बेहतर होती है। लेकिन उसमें फिर ये वाला मसला है कि पहले आप ISO डाउनलोड करें उस लिनक्स का, फिर उसको USB पे इंस्टॉल कॉपी करें या रन करें, फिर लाइव डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें। तो वैसे ये इतने ज़्यादा देर भी नहीं लगाता है, लेकिन इस पर शायद ज़्यादा देर लग रही है। अभी आपके सामने मैंने दूसरा वो एडिशन चलाया था ज़ोरिन ओएस का लाइट एडिशन, वो जल्दी चल गया था। तो शायद यहाँ पे कोई इसका इश्यू है जिस वजह से इसमें डिले आ रहा है। अच्छा, बट सब का मैसेज आ गया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और टीम व्यूवर पे मैं बट साहब को एक्सेस करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ जी आते भाई, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं करता अपनी,
क्योंकि और कोई है नहीं ऑनलाइन, अगर कोई ऑनलाइन होता तो उसके लिए फिर मेरे ख्याल है वो स्क्रीन शेयर हो जाती तो अच्छा था। तो इसमें मैं आपको अभी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कि कॉल इसकी ये कि अच्छी है उस तरह आवाज़। बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं बहरहाल कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ये फिर आपको ये जहन में रहना कि ये फिर मैंने अपलोड करनी है। वैसे जो अगर गूगल मीट पे अगर मेरे साथ कोई बंदे हैं तो वो ज्वाइनिंग वो नज़र नहीं आएंगे, उनको ये सेशन नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद की हुई है। तो नहीं, यहाँ पे मैं आते भाई कोशिश करूँगा ना कि जो जिस तरह वो मैं फ्लो उसका चलाना चाह रहा था ना, मुझे आप साथ साथ गाइड करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। यहाँ पे कोड है, इसको मैं खोल सकता हूँ। अच्छा, और ये मेन वो वाली ऑर्डर वाली फाइल है। वहाँ पे जो आप ब्राउज़र जो है वो आप कहाँ पे, आपने कहीं पे खोला हुआ है? यहाँ पे शायद आपने खोला हुआ है ये वाला। अच्छा, ले सही है। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा ये इनको एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि ये इसी पेज पे रहता है या, क्योंकि बाज़ अवकात ये होता है कि एजेक्स की वो कॉल्स होती हैं और वो उस पर फिर वो दूसरे पेज से लोड कर रहा होता है। तो बज़ाहिर मुझे लग रहा है ये सारा काम इधर ही हो रहा है। अच्छा, बस इसमें एक दफ़ा ही आ रहा है। फिल प्रोडक्ट, सेट सेव ऑर्डर। अच्छा, सेव ऑर्डर पे क्लिक करता है तो फिर ये फिर टेबल इनवाइस में इसने सेव किया है मेन रिकॉर्ड, और यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट किया है और लास्ट आईडी ली है क्योंकि इसकी ये चाहिए थी, इसके लिए आगे जो डिटेल्स वाला टेबल है उसके लिए चाहिए थी इंसर्ट आईडी। और यहाँ पे इंटर अमाउंट करने की उसके लिए ये लिखा है, और उसके भी बाद यहाँ पे, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये तो एक से ज़्यादा दफ़ा वैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, पता नहीं ये इसने एक दफ़ा क्यों लिखी है। प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा हैं। इनवॉइस आईडी, अच्छा ये ऊपर मेरे ख्याल है लूप चल रहा है। देखें, ये इससे पता लग रहा है मुझे कि कोई लूप ऊपर चल रहा है, मैंने शायद नोट नहीं किया। जी चल, जी लूप चल रहा है तो सही है, ये लूप के साथ ही होना चाहिए था। REM ये किधर है? REM इज़ लेस देन 0, तो फिर ये वार्निंग दिखाएगा। सेट स्टॉक, अच्छा ये उसका उसने कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पे आते भाई ये वाला जो काम है ना, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। ये ठीक है, ये इससे वो लोकेशन उसकी चेंज कर देता है, और यहाँ पे मैं खुद से ये लिख रहा हूँ। ये क्योंकि जब एग्जीक्यूट ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा होगा, तो मैं इस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मुमकिन है इसमें कुछ हमारे वो
रिलेटेड कोई चीज़ आ रही हो इसमें। ये वेरिएबल मेरे ख्याल है यूज़ तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसमें ये आर जो है इसको मैं प्रिंट आर करवाया है, और यहाँ पे मैं खुद से भी एग्जिट लिख देता हूँ ताकि ये और आगे ना जाए। और यहाँ पे मैं एको भी करवा देता हूँ कि अब आप सेल करें ज़रा। जी आप सेल करें। जी नहीं, सेव कर लिया, सेल सेल करें, सेल वो आप असल में तेज़ी से कर लेंगे ना, क्योंकि आप रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रीलोड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है आप करें इसमें। सही है, इसमें कंट्रोल यू प्रेस करें इसमें उसने किधर तो डिस्प्ले किया होगा, मैं बैरल देखता हूँ। ये कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी फालतू। अच्छा नहीं, मैं वैसे चेक करना चाह रहा था कि वो हमारा डिस्प्ले। अच्छा आपने वो डेटाबेस यहाँ पे खोली हुई है। अच्छा सही है, इसको इनवाइस को आपने अलग से खोला हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा फिर पीछे और एक दफ़ा वापस करूँगा ना, तो उसमें ये उसमें वो दोबारा से वो रीड कर लेगा ना लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है, तो उसमें इतना ही बनता था। 100, अच्छा एक, अच्छा यही था 140, और उसकी आईडी देखने की ज़रूरत थी। आईडी उसकी 97 है। नहीं आईडी नहीं जा रही यहाँ पे, सेव नहीं हो रही, इसको आईडी सेव करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने वो डिस्प्ले कराना चाह रहा था कि यहाँ पे ये रुक जाए। और लेकिन सर मैं अभी इसका पूरा फ्लो नहीं पता ना, ये किस तरह प्रोसेस कर रहा है। पूरा प्रोसेस पता हो ना तो फिर तो आसान हो जाता है ना काम। अभी मैं बहरहाल इसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इसमें कुछ फिगर आउट हो जाए। इसके बाद ये सीधा रीडायरेक्ट इसको करवा रहे हैं ना कि उस पेज पे जाए। तो भाई अभी इसमें करना ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये डिस्प्ले यहाँ पे करवाना है, ये सेव नहीं किया ना इसने, तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ये एरर शो कर रहा होगा। मैं किससे
सेल्फ एग्जिट ये लिखवा रहा है और उसकी वैल्यू में से कुछ भी नहीं आया। ये सेल्फ एग्जिट नज़र आ रहा है आपको? जी ये नहीं मिल रहा था ना पहले सेल्फ एग्जिट, लेकिन इससे ऊपर इसने वो डिस्प्ले नहीं करवाया है उसकी रिजल्ट। प्रिंट आर हमने करवाया था ना, अच्छा ये प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ किस जगह पे है? फाइल्स में वो फोल्डर है, ज़रा खोल देना उसमें ये एक मैं देख लेता हूँ कि बाज़ को कोई लॉग फाइल्स बनती हैं ना मेंटेन होती हैं उसमें इश्यूज़ वगैरह वहाँ पे आ रहे होते हैं। क्योंकि आपको ये बात आपको भी नज़र आ गया ना, ये सेव नहीं कर रहा है। जी, वो पहले पहले जी, पहले ये लग रहा था कि वो शायद रिपोर्ट वाले में उसमें इशू है, लेकिन अभी जी अभी ये बात समझ आ रही है कि ये रिपोर्ट वाले में इशू नहीं है, इशू इसी के अंदर ही है। अच्छा यहाँ पे कोई लॉग्स का मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा मैं नहीं, ये दोबारा रन हो गया। इसमें ये वाला भी नया खुला है, अब वो कौन सा वाला बंद करूं? अच्छा अभी एक दफ़ा क्लिक करना होगा तो। अच्छा मुझे इसका वो डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा था ना असल में। लॉग्स यहाँ पे मैं ये अभी तो खैर पता नहीं इसे ख़त्म ही ना कर दियो। बहरहाल यहाँ पे कोई रेलेवेंट अभी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आते हुए कोई तरीका ऐसा करना पड़ेगा ना कि हमें उसका वो कोई एरर अगर आ रहा है तो वो पता लगे ना। बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहा है उसमें, बज़ाहिर आते भाई। ये तो जब उन्होंने आपने इंपोर्ट इंपोर्ट की होगी ना फाइल कोई डाटा की, तो वो होना तो इसी इसी टेबल के अंदर। आप मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड कर लें, वो वहाँ पे आपको रिपोर्ट में नज़र आ जाएंगे। आप जो चाह रहे हैं ना, आप यहाँ पे वो वाली आईडी यहाँ से लें, मिसाल के तौर पे ये 97 है, यहाँ पे एक नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें, ये इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसकी आईडी, इसको कुछ ना दें ये ऑटो मेरे ख्याल ले लेगा, और यहाँ पे 97 लिखें, प्रोडक्ट आईडी जो थी वो लिखें, उसका कोड वो लिखें मैन्युअली, यानी उस दूसरे रिकॉर्ड जो पुराने रिकॉर्ड है ना इसी टेबल के उनको देख के, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स डालें, तो फिर आप वो दूसरे अपने वाली रिपोर्ट जब रन करेंगे ना तो ये फिर डाटा शो करेगा। अच्छा चले उसको ट्राई करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। चले आते भाई। उसमें कहा था कि जी आप वो बनाए,
जी, वर्डप्रेस आपने दिखा दी थी, अपलोड भी करके मुझे दिखा दी थी। जी दिखाएं इसको। अच्छा जबरदस्त। अच्छा सर, स्पेशल यूनिट नहीं था। बूटस्ट्रैप का लॉगिन यूज करें और उसकी वो डैशबोर्ड इस्तेमाल करें बूटस्ट्रैप का। सही है, वो तो लोकल होस्ट लॉगिन सिस्टम लिखेंगे। तो वही टाइम 6 से ऊपर हो गया है। असल में भाई मुझे कॉल आई थी ना भाई, वैसे शुरू में ये लॉग आउट आना भी नहीं चाहिए, लॉग इन किए बगैर। मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में लॉग आउट नजर नहीं आना चाहिए, लॉग इन जब हो चुके हों तब नजर आना चाहिए। एक दफा लॉग आउट करके फिर देख लें। आते भाई आप एक और काम करें, इसको प्राइवेट मोड में ओपन करें।
उसमें फिर ये कैशिंग वगैरह का वो इशू नहीं होता ना। आप इधर ये, बल्कि मैं आपको करके बता देता हूँ, ये आपका पेज यही है ना मेन, लॉगिन सिस्टम पे क्लिक करें तो ये यही आता है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये इनकग्निटो मोड इसको ओपन करता हूँ। तो इसमें ये है कि, अच्छा, इस पे हाँ जी, वो इसमें चीज़ें वगैरह, सेशन वगैरह मेंटेन नहीं होता ना, तो लॉग इन या वेलकम पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है फिर ये शायद हार्ड कोडेड है। अच्छा, ये देखिए इधर इफ लिखा हुआ आ रहा है, बात सुने आते भाई, इधर ये इफ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें यहाँ पे इफ, ये नहीं आना है जी, ये फिर आपने शायद कुछ लिखने में गलती हुई है, वो इफ शायद लिखा नहीं गया सही। हाँ, वो मैंने असल में भाई को टाइम दिया है, मैंने कहा 6 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा फिर आ जाऊँगा उनके पास, उनको कोई काम है, तो चले मेरी टीम वीवर को क्लोज कर रहा हूँ। ये साथ मेरा ये लॉग आउट भी सिस्टम हो गया, पता नहीं क्यों। चले आते भाई, ठीक है, मैं भी इसको ये क्लोज करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।